पठानकोट पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें गिरोह के लोग उत्तर प्रदेश से असला लाकर पठानकोट के अलावा पंजाब के दूसरे ज़िलों में भी भेजते थे और पठानकोट में देसी कट्टे खरीद की फकोस्त करने आए थे। बता दें कि जिसके चलते पुलिस ने सूचना मिली और पुलिस ने 4 लोगों को देसी कट्टे के साथ जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन पकड़े गए लोगों में एक शिवसेना पंजाब के उत्तर प्रदेश चेयरमैन हिमाचल प्रभारी हैं। उन्होंने ये कट्टा इन लोगों से नाजायज तरीके से खरीदा था, जिन पर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 4 लोगों को के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे असले दी तस्करी करने वाले जिहड़े मुजरिम तुसी फड़े हैगे आ की मॉडल से ब्रांडी सी के इनां दी पुलिस दी की कार्रवाई हैगी है, बरामद की है। साडे एसएसपी साहब डीजी सर वल्लों बहुत सख्त हदायतां जिहदे विच नशे दे बारे या नजायज असले बारे बिल्कुल साडी पुलिस जिहड़ी है सतर्क आ। बहुत वधिया काम सीआईए स्टाफ और डीएसपी डी इन्हां दी टीम ने किया। ये जिहड़े यूपी तो असला लैके आए से सानू किसी मुखबर खास ने दस्या कि भगवान दास ते अपने भगवान दीन ते रिंकू इन्हां कोल जिहड़ा नजायज असला हैगा मतलब पिस्टल हैगा, जे तुसी हुण ही रेड करो ते तुहानू ये जिहड़ा मिल सकदा। उत्थे चंद्र प्रकाश जिहड़ा कि पठानकोट दा सीगा जदों असी रेड किया तो भगवान दास ते रिंकू चंदन दास जिहड़ा कि पठानकोट दा रहण वाला ये जिहड़े दोनों हैगे आ एक यूपी ते एक एमपी दे हैगे ने, उत्थे इन्हां कोल सानू जिहड़ा ओ पिस्टल मिल गया ते इन्हां कोल राउंड भी मिल गए 4 ते इन्हां दी पुछगिछ दे विच अगे इन्हां ने एक होर जिहड़ा पिस्टल बेचा सीगा जिहड़ी आली पुछगिछ दे विच आया इत्थे दे सतीश महाजन है जो शिवसेना दे हैगे आ उन्हां दा नाम भी आया कि उन्हां ने 5500 रुपए च जिहड़ा इन्हां ने पिस्टल खरीदिया कट्टा देसी जिहड़ा हुंदा ते 2 राउंड खरीदे। इन्हां दी हाली पुछगिछ चल रही आ, सर्च दौरान हाले आपां जो भी और कवरी करांगे तो इन्हां नूं भी दे विच नामजद करके। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਹਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਆਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ FIR ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੌਜ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।